हिना खान ने कैंस फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया था, तब उन्होंने शेयर किया था किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ किस तरीके से बायस बिहेवियर किया गया टीवी वर्सेस बॉलीवुड पर्सनैलिटी को लेकर। इस वक्त इस साल जिन्होंने कैंस में डेब्यू किया और धमाका मचाया वो थी हेलिशा। हेलिशा ने भी इस साल बहुत अच्छा रिस्पांस गैदर किया अपने कैंस को लेकर, लेकिन उसके बावजूद एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने उन्हें बुरी तरह से अवॉइड किया। ना सिर्फ अवॉइड बल्कि हेली इस जेस्चर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। किस तरीके से कैंस फिल्म फेस्टिवल में उनके साथ भेदभाव हुआ, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। आप चाहें तो इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्योति नाहक 7 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप सभी को बता दें कि हेलिशा ने इस वक्त इस बारे में बात करते हुए कहा है कि मुझे वहां पर सरासर इग्नोर किया गया। हेली कहती हैं, मैंने इस तरह का बर्ताव पहले भी झेला है हाँ, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में कहा नहीं। हम सभी को टीवी का टैग दे दिया गया है, अगर मैं किसी फिल्म के लिए ऑडिशन भी देने जाती हूँ तो लोग मेरा रेज्यूमे देखकर कहते हैं ओ आपने टीवी सीरियल में काम किया है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली ये बात कह देते हैं। मुझे लगता है कि टीवी सेलेब्स को बराबरी मिलने का रास्ता अभी काफी लंबा है। पर इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई बार ऐसा हुआ जहां पर हेली शाह ने वहां पर ऑकवर्ड महसूस किया, उन्हें बार बार याद दिलाया गया कि वो सिर्फ एक टेलीविजन स्टार है। वेल कब ये भेदभाव खत्म होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आप बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में।